हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं हमेश और आप देख रहे हो मेरे जो शिव ब्लॉग्स का। यार तुम्हारे 28 दिसंबर 2022 और सुबह के बजे 7:05। तो फिलहाल मैं नहा धो के रेडी वगैरह हो चुका हूँ। तो आज हमें जाना है सिर्फ सेंटर की ओर कॉलेज। तो बस मैंने बार बार नहीं बताना चाहता क्योंकि मैंने जाना छोड़ दिया कॉलेज में। आप सीधे जाएंगे पेपर पे। तो अभी फिलहाल आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो धुंध भी थोड़ी सी कम है, आप लोग देख ही सकते जैसे कि। तो होप्स हो कि थोड़ी जल्दी धूप भी आ जाएगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल पे क्या क्या होने वाला है, तो उस चीज़ को देखे बिना वीडियो से जाना मत। तो कर देते वीडियो स्टार्ट एक छोटे से इंटर के बाद। सो गाइस, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं आज धुंध भी नहीं है। तो अभी मैं और कमल जा रहे हैं, अरुण आ जाए नहीं, पता नहीं, शायद उसको चोट लगी है, वो दोपहर में जाके पूछेंगे। अभी चल। सो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरियाणा बॉर्डर स्कूल की तरफ। मेरे भाई का स्कूल है वहाँ पे, पीटीएम है, तो मम्मी ने कहा था तू ही जाइयो, तो चलते हैं फिर। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हरियाणा बॉर्डर स्कूल में। देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा स्कूल। और पहले हम यहीं पे पढ़ते थे जब छोटे छोटे हुआ करते थे। 8 तक मैंने यहीं पे अपनी पढ़ाई की है, तो बहुत ज़्यादा यादें हैं स्कूल के साथ हमारी। छोटा सा स्कूल है पर बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। यहाँ पे मतलब प्रियांशु भी पढ़ता है, तो कॉलोनी के ना जो बच्चे हैं ज़्यादातर, और जो बच्चे क्या जिन बच्चों के बच्चे भी हो गए वो भी यहीं तक यहाँ से पढ़ के गए हैं, मतलब जो बड़े हो चुके हैं ना अडल्ट, वो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं स्कूल से पहले। अभी 9 बजे आ चुका हूँ, तो थोड़ा सा लेट आएंगे टीचर्स वगैरह भी आज पीटीएम में वैसे भी। तो मम्मी ने बोला तू ही चला जियो, तो कोई बात नहीं, तब तक घूम लेते आराम से अपने स्कूल में, देख लेते थोड़ा बहुत। और धूप तो आ रही है मस्त वाली, वो सेक लेते हैं, तो चलते फिर। ये हमारे गए स्कूल की बस है और ये अपना स्कूल है। ज़्यादा थी हाल, उसका रिपोर्ट कार्ड चेक कर लिया और फर्स्ट डिवीज़न है वैसे उसकी, 88% उसके नंबर आए हुए हैं। तो घर जाके उसे डराऊंगा कि भाई मैडम तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी कि तू पढ़ के नहीं आया, ये वगैरह कुछ कुछ कहूँगा। तो चलते फिलहाल, अभी बहुत लंबा जाना है इसमें को पैदल पैदल, आप सोच भी नहीं सकते इतनी दूर आया हूँ। तो गाइस अभी छत में गेहूँ वगैरह सुखाए और ये है प्रियांशु। ओए पढ़ते क्यों नहीं तू? मैडम तेरी शिकायत करी थी, पता है तू थर्ड आया तू? हाँ, कितने परसेंट है तेरे पता है? 58% नंबर है तेरे? मुझे पता है, कहाँ से पता चले तेरे को? अरे हमें सब पहले से ही पता होता है। पढ़ता क्यों नहीं फिर तू? लास्ट पेपर वाले दिन पता था मुझे, मेरे परसेंटेज। हाँ तो फिर मेरे को क्यों भेजा वहाँ तक जब पता थी? तो मन कर रहा था। पढ़ता क्यों नहीं तू? मैम कहती है वहाँ पे जाके व्लॉग की बातें करता है, अभी व्लॉग देख रहे गाइस। और आप गाइस, आप में से जिस लोग जिन्होंने ये वाला व्लॉग नहीं देखा ना, वो जाके जरूर देखना। तो तू बता तू क्यों नहीं पढ़ता? ये क्या कर, ये देखिए यहाँ किताबें रखी, व्लॉग देख रहा है, बंद कर बंद कर, नहीं इसे बैठ के पढ़ ले ठीक है, ये कभी थप्पड़ थप्पड़ खाया मेरे हाथ से, चल पढ़ ले। फिलहाल हम लोग भी पढ़ लेते हैं। और आज की वीडियो ने गाइस इतना ज़्यादा मेरे को परेशान किया, मतलब एक वीडियो अपलोड करने के लिए ना मेरे को आप सोच भी सकते 3.5 GB नेट, यानी कि 3 GB और 500 MB नेट मेरा यूज़ हुआ। पहले मैं यहाँ से सेंटर पर गया था, तो सर ने कहा था पहले मेरे को वीडियो दिखा देना अपलोड होने से पहले, तो इसलिए मैंने सर को दिखाई वीडियो। मेजर गाड़ी सर के कारण नहीं, अगर मैं सुबह घर से करके लेके जाता ना तो वीडियो अपलोड हो जाती। सर ने बोला मेरे को दिखाना, वहाँ पे सर को दिखाई, फिर किसी के वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया क्योंकि वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी थी, 2 GB के आसपास की थी। उसके पास बंदे के पास था नेट तो इतना, तो उसने अपना नेट दिया और अपलोड होते होते उसका नेट खत्म हो गया और वीडियो अपलोड ही हो रही थी, मतलब अपलोड नहीं हुई। फिर मैंने दूसरा फ़ोन कनेक्ट किया और वो दोबारा से रिस्टार्ट हो गई। फिर वो वहाँ से मेरे को आना पड़ा क्योंकि पेरेंट्स की पीटीएम वगैरह थी, तो वहाँ पे गया और मैंने अपना नेट दिया, मतलब अपने नेट से मैंने अपलोड पे लगाई। पूरी अपलोड होने के बावजूद भी उसके बाद वो फिर से रिस्टार्ट हो गई, तो फिर मुझे आया गुस्सा और फिर मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को थोड़ी सी उसकी कम करनी पड़ी, मतलब क्वालिटी कम करनी पड़ी। 1080p पे अपलोड ना करने के बावजूद मेरे को 720p पे करनी पड़ी, तो फिर भी हो गई थी क्योंकि 360 या 480p पे वो बढ़िया दिख रही थी वीडियो, तो वीडियो तो ठीक ठाक हो गई थी। फिर मेरे को लास्ट में अरुण के नेट से वीडियो अपलोड हुई है अभी, तो होप सो आपने वो भी देख ली होगी। और इतना ज़्यादा बकवास यहाँ तक आपने सुन लिया, मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए थोड़ी देर और फिर मिलते हैं। प्यास भी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा बोल लिया। ला भाई सुन, मार मौज। यहाँ पे गेहूँ सुखा रखे हैं और प्यासु खाते खाते देख रहे हैं, आज ही कुछ काम करे इसने, थोड़ा बहुत पढ़ पुड़ भी लिया। तो अभी चलते हैं फटाफट नीचे, हम भी खा को लेते हैं यार, हमने भी कुछ नहीं खाया। क्या जोर से बोल, हैं कुछ कुछ काम नहीं करेगा, कह रहा चीज से चादर सीधा कर दे। अच्छा टांग टेढ़ी होगी तो ऐसी रहेगी। ये भी पजामा क्या मिला, लैपटॉप मिला? नहीं, टैब। हाँ है, कौन सा टैब? कौन सा स्कूल से मिल रहा है मुझे, कौन सा नाम क्या पता नहीं, नहीं पता, दिखा देखते आप लोग। यहाँ पे हमें एक नया टैब मिला है, तो ये टैब जो है गैलेक्सी की तरफ से, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट, चलते हैं आगे
और देख ही लिया आपने थंबनेल पे, यही फोटो लाऊंगा थंबनेल पे। वैसे तो फिलहाल हम आपके सामने एक पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज, जिसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि क्या है, तो फिर भी आपको एक बार दिखाई देते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा नया टैब जिसका नाम है गैलेक्सी टैब A7 लाइट। तो ये गाइस हमें योगेश को मिला हुआ है और स्कूल की तरफ से मिला है स्टडी के लिए, सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का। नहीं मैं बोलूँ कुछ तो देख सकते हैं आप लोग, बड़ा ही मस्त इसे बाहर से एकदम डिसेंट से इसकी पैकेजिंग। इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुकी है स्कूल में, मतलब सिम वगैरह सारा कुछ डाल के दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 3 GB रैम और 32 GB इसकी वो है स्टोरेज है, और ये बाकी बिलिंग वगैरह होगी इसकी या फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है। ओहो फ़ोन नंबर मेरे को छुपाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। तो फिर अब इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग, ले कर ले कर ले, खुश रह कर ले, स्लो मोशन में कर। हाँ ये सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा लैपटॉप की साइड, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। नहीं मुझे अगर देख ली बेटे फट गया ना गलती से, योगेश सर को फाड़ेगा फिर यहीं से खो खो। देख ले अगर प्यास गलती से फट गया ना योगेश सर को मारेगा फिर। खुल गया डर रहे हो। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, इसको अभी हम साइड में रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इसका चार्जर, चार्जर भी देख है, सकते हैं आप लोग, और टाइप सी है। सर जब तो कैसी हरकतें करता है, और ये इसका चार्जर लीड भी है, लीड नहीं है ये जियो की सिम है, और यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह हैं जो कि इसके अंदर, ये सिम बाहर निकालने का, चुप हो जा। इसके अंदर एक पिन भी है इसकी। तो ये इसकी सिंपल सी पैकेजिंग थी। अब आते हैं हम अपने मेन जो कॉम्पोनेंट है जिसका हैं अनबॉक्सिंग, खींच ले। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, कितना ही डिसेंट क्वालिटी का हमारा ये टैब है, और बिल्कुल ही स्लिम पतला हल्का लाइट वेट, 1 किलो का भी नहीं है, आधे किलो के आसपास का भी होगा। और पीछे भी इसका वही है कुछ, बाकी कलर भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ऑन करके देखिए इसे, पासवर्ड नहीं है। ओहो ये सामने किसकी फोटो देख ली हमने, ओ भाई साहब ये तो मेरे से फोटो खिंचवाने के लिए कहते उस दिन, ये कहते मेरे साथ फोटो खिंचवा लेना। नरेंद्र मोदी है, नहीं नहीं ये जाहिल इंसान मनोहर लाल खट्टर, इनमें हमारी फोटो दिखाई दे रही है, हमारी नहीं मतलब मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ के CM है उनकी। और ये पूरा स्टडी के लिए, बाकी इसमें कोई फंक्शन वगैरह नहीं चलता, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं है, मतलब 2 बटन है यहाँ पे। सो गाइस जो ये टैब है ना, ये वैसे तो सिंपल ही टैब है, मतलब जैसे हम नॉर्मली फ़ोन या टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ होगा, पर इसके अंदर कुछ ऐसी फंक्शन नहीं करती है जिसके कारण सिर्फ पढ़ने पढ़ने के लिए यूज़ होगा, और वो तो ठीक ही है क्योंकि बच्चे ताकि और यूज़ ना कर पाए, जिनको नॉलेज है वही कर सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए सिर्फ पढ़ने के लिए। तो अभी इसे अपनी दादी को दिखाते हैं, ये लीजिए आपके आपके पोते को, पोता की नाती एक ही बात है ना। हाँ तो आपके पोते को ये मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जल्दी सरकार की तरफ देख के बोलिए, इधर इधर इधर। बहुत धन्यवाद सरकार को। क्यों अब और भी बिगड़ जाएगा, इसमें पढ़ाई होती है कहीं है, पढ़ाई हो ना और बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे। बिगाड़ने के लिए धन्यवाद, थोड़ी है बच्चों को बिगाड़ने के लिए और टाइम वेस्ट होगा। फिर क्या हो गया फोन में जाएगा भाई, इनसे कहीं नहीं पढ़ाई होती भाई, सच्ची बात बता रहा, देखो एज जेन्युइन, अगर आप मतलब शक्ल दिख रहे ना, देख लो शक्ल देख, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनसे ना मतलब एक तरह से डिस्ट्रैक्शन ही होता है कि मतलब एक काम बढ़ जाएगा कि ये भी करो, मतलब इसके अंदर सर्वे आते हैं वो भी करो ये भी करो वो करो, बाकी मतलब कोई वो नहीं है। जैसे पहले भी हम पढ़ रहे थे तो ठीक तरह से ही पढ़ रहे थे, सारे कुछ अच्छा था, और इसको बाकी पढ़ना होगा, यूट्यूब वगैरह की फैसिलिटी सबके पास है, और मेरी माता जी कह रही है कि तेरे को नहीं मिला इसलिए तेरे को जलन हो रही है, बात ही है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसका अच्छा भी यूज़ है और बुरा भी यूज़ है, जो चाहे तो इससे ना कुछ भी कर सकता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है। स्टडी मटेरियल इसके अंदर मतलब ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, इससे अगर पढ़ लेना बंदा पास हो क्या टॉप क्या कुछ भी कर सकता है, मतलब वो आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा फीलिंग को डीप में नहीं लगता। और इसको रख देता हूँ फटाफट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, लग्जरी है हमारे लिए लग्जरी है, तो इसको संभाल के रख देते हैं, हमारा नहीं योगेश का है। इसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम इसे सिक्योरली यहाँ पे रख देते हैं और चलते हैं बाहर की ओर पढ़ लेते हैं। अनबॉक्सिंग तो देख ली वीडियो की, अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि आज मैं सुबह से ना मैंने मतलब इतना टाइम, आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई के अंदर वो करा है, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। 4:50 हो चुके, मतलब 5 ही बज चुके, तो चलते बाहर, थोड़ा सामान वगैरह भी लेके आने बरवाल से, वहीं चलते हैं फटाफट और चलते फिर आएंगे घर पर अभी, चलो यार बस। भी अगर आप लोग यहाँ पे हो ना मतलब अनबॉक्सिंग देखने के बाद अगर पहुँच गए, तो आप लोग मेरे रियल सब्सक्राइबर, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बकवास ना सिर्फ वही समझ सकते हैं जो थोड़ा थोड़ा हमें पसंद करते हैं, तो इसलिए फिलहाल
देखते हैं किसी को लेके, अरुण को लेके चलेंगे अगर उन्होंने होगा तो। बरवाला बड़ा दूर है यार, पैदल भी हम लोग अकेले अकेले बरवाला जा रहे हैं, अरुण और थे नहीं तो वो दरअसल सुल्तानपुर से बरवाला की ओर ही जा रहे हैं, तो कह रहे थे तू चल हम आते हैं पीछे पीछे, तो चलता हूँ मैं। फिलहाल देख सकते हैं आप लोग सुबह इसी रास्ते से जाते हुए हमारी हालत ख़राब हो जाती है, अभी हवा तो चल रही है पर उतनी ज़्यादा सुबह वाली लेवल वाली ठंड नहीं है, फिर भी है तो चलते हैं फिर धीरे धीरे और देखते हैं सूरज क्या मस्त दिख रहा है भाई, कसम से मजा आ गया। तो घर को जा रहे थे और कमल को लाना भूल गए, कमल बेचारा अपनी दुकान पे रह गया और हम आ गए, तो अभी आ रहे हो पीछे से दौड़ा दौड़ा, वो देखो गाइस दौड़ा दौड़ा कैमरे वो कैम्बो दौड़ा दौड़ा आ रहा है पूरा। ये देखिए 10 वाली दूध की थैली मिलती है वैसे यहाँ पे, मेरे को अभी बजा के पता चला। ओ आजा तू यहाँ पे गाइस हमारा जीरी भरी है भाई, जीरी पूरी देख आगे देख, जीरी कह रहा क्या क्या नाम लेकर कड़क रखी हुई है इसमें, आजा बैठ बैठ जा ले रहा सांस आजा। तो चलते फिर गाइस, अभी हमें बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है वैसे और दिनों के मुताबिक, अभी सिर्फ 6 ही बजे इसलिए हम बाहर हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, चढ़ गई सांस ना ना ले यार कहते अभी तो मैं जवान हूँ 1600 मीटर का राउंड है नहीं मैं 3 मिनट में मार देता हूँ भाई। झूठ भाई झूठ, कितना लंबा भाई गाइस ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम लोगों ने इसको कभी देखा ही नहीं है ठीक है भाई, रोज तो हमारी गली में रहा ठीक है, मानू पता नहीं रहा 3 मीटर थोड़ी कह रहा है, 3 के पीछे एक जीरो भी तो लगा यार 30 मीटर भाई, मेरी कामयाबी से कह रहा है हमें इसकी कामयाबी से बस 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 अरुण नहीं नहीं मैं सह नहीं सकता भाई इतनी बातें, चलते फटाफट नहीं तो देख ले यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी आज, आज हरियाणा में बर्फ पड़ जाएगी इसकी बातें सुनेंगे तो। अभी आया हुआ पढ़ने के लिए, योगेश जी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है ना फोन चार्ज मैं भी रख देता हूँ। शाम के पूरे 8:30, तो फिलहाल अभी हम लोग घर के अंदर आ चुके थे 7 बजे, मतलब फिर आके थोड़ा बहुत घूमने चले गए थे हम और फिर आ गए थे, तो बस फिर एडिट वगैरह भी करता हूँ थोड़ी देर में। तो आई होप कि आपने आज का लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, तो उसकी अनबॉक्सिंग करी थी वैसे तो ठीक है, वो पढ़ने के लिए टैब वगैरह योगेश पढ़ भी रहा था उसमें, सर्वे वगैरह आते हैं बाकी वीडियोस वगैरह कुछ कुछ था, तो बस क्या ही कर रहे हो, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो ही रहा है और आप भी देख रहे हो मेरे को जैसे यहाँ पे, तो पहले ज़माने में ऐसा होता नहीं था। तो होप्स हो गया आपने व्लॉग आज का बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो कॉल और आप चैनल को शेयर करना ना भूलें, तब तक मिलते हैं तब तक के लिए जय जय माता।